और हम चाहते हैं कि उनको रिम पास में इलाज कराया, क्योंकि उनके पिताजी ने ही कहा कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो आते हैं और कांग्रेस के जो मंत्री हैं उनसे पैसा लेकर के जाते हैं। तो अगर उन पर ये बात कहा जाए तो वो दूसरे को अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन, आज तक उस पर किसी ने उंगली उठाने का काम नहीं किया। एक सिविल सर्जन को, एक इंटेलेक्चुअल को, एक सर्विसमैन को आप आरएसएस के कटघरे में खड़ा करते हैं। इसी पर हमने कहा कि जब संघ के लोगों, संघ का होना मतलब उसको सरकार में नहीं होना, यह बात साबित करता है कि इरफान अंसारी जो है ये आईएसआई का स्लीपर सेल का एजेंट है। आपको तो उग्रवादी कह रहे हैं वो। इरफान अंसारी जी के लिए प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, वो पूरे तरह से प्रूफ है। अगर आरएसएस के लोगों को आप इस तरह से बोलेंगे तो बदला में तो हम लोग उलट के देंगे ही नहीं। ये प्रूफ, चुप रहने वाले लोग नहीं है। ये प्रूफ कैसे? प्रूफ तो एनआईए के जांच करवाया ना सरकार। कल हमने सीना ठोक करके कहा कि ये स्लीपर सेल के एजेंट है। अगर सरकार में हिम्मत है, कांग्रेस की सरकार है, वो कांग्रेस के माननीय सदस्य है, अगर उनमें हिम्मत है तो एनआईए के जांच के लिए यहाँ से रिकमेंड करे और प्रूफ होगा कि वो आईएसआई के स्लीपर सेल का एजेंट। नहीं, आपके पास कुछ प्रमाण है क्या उसके? एक विधायक बोल रहा हूँ ना, एक मैं बोल रहा हूँ, वो कैसे बोल सकते हैं किसी को आरएसएस के एजेंट बोलना? एक इंटेलेक्चुअल को, एक पदाधिकारी को आरएसएस क्या ऐसा कर दिया जिससे आपको तकलीफ हो रहा है? कौन सा ऐसा गुनाह किया बताइए हमको? आईएसआई ने तो बहुत सारा खून खराबा भी किया। मानो जी, इरफान ने कहा है कि आपका, मुझे लगा था कि ये लोग सदन में आए हैं, पढ़े लिखे होंगे, पीछे कीजिए ना, जानकार होंगे, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। ये लोग लुटेरा लोग, गरीब का पैसा, आदिवासियों का पैसा, अल्पसंख्यकों का पैसा गमन कर लिया, लूट लिया। स्वास्थ्य मंत्री रहा, गमन के आरोप, कई गंभीर आरोप। और भानु प्रताप को थैंक्स बोलना चाहिए मुझे कि मैंने अभी तक इनकी फाइल को नहीं खुलवाया। बोल रहे खुलवा लीजिए, जिस दिन फाइल मैं खुलवा दूंगा भानु प्रताप आपके बीच नहीं होंगे, ये सलाखों के बीच होंगे। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। इस सदन है कि मजाक का खड़ा नहीं है। मैं भी उनको आराम से नाम बोल सकता था, मैंने लॉजिक से बात किया। देखिए सिविल सर्जन, अब देखिए तो आप उनको बचा रहे हैं। आरएसएस, ये आरएसएस का एजेंट है। हमारी सरकार में अगर आरएसएस लोग जो ऑफिसर है, अगर आप ठीक है, आरएसएस की आप बहुत बड़े भक्त हैं, प्रचारक हैं, घर के बाहर ऑफिस के बाहर चलिएगा, खुलेआम ऑफिस के अंदर आरएसएस का प्रचार करता लेकिन है, और आदिवासियों से मिलना नहीं चाहता है, अल्पसंख्यकों से भेदभाव करता है व्यक्ति। इरफान जी, इरफान जी, भानु जी का कहना है कि आरएसएस को अगर हमारी सरकार जाने हो या अनजाने में पोस्टिंग करता है तो निश्चित तौर पर पीड़ा होती है मुझे। और इसको लेकर हमने आज सदन में ये बात बताया था, किसी भी आरएसएस का लोग ऐसे मानसिकता, खास करके एजुकेशन सेक्टर में हो या हेल्थ सेक्टर में, नहीं आना चाहिए। फाइल कब खुलवाइएगा? नहीं तो आखिर उनका कहना है कि आरएसएस कोई उग्रवादी संस्था तो है नहीं। मेरी बात सुनिए, आरएसएस संस्था से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, वो धर्म प्रचारक है, ठीक है, आप धर्म का प्रचार कीजिए ना, घर से बाहर कीजिए। और आप खास क्षेत्र में कहना चाहता हूँ, आरएसएस वहाँ पढ़ाई होता है मारपीट, खून खराबा, गुंडागर्दी, नफरत की पढ़ाई होती है आरएसएस में। ये इरफान अंसारी बर्दाश्त नहीं करेगा। इरफान अंसारी जिस क्लास से पढ़ के आया है वहाँ मेल भाव प्रेम भक्ति, उस क्लास में जो पढ़ाई करेगा वही यहाँ राज करेगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।